जनपद सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के सिंदूरिया गांव में 6 दिन पहले गोली मारकर सुरेंद्र पांडे की हत्या का आज पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने खुलासा कर दिया, जिसमें क्राइम ब्रांच व चौपन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर 2 लाख रुपए का चेक व हथियार बरामद किया। हत्या की वजह सालों से चले आ रहे पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने अपनी पत्नी की हत्या करवाने के लिए 2 लाख रुपए में जिन शूटरों को सुपारी दी, उन्हीं शूटरों ने सुपारी देने वाले पति की ही हत्या कर दी और घर से महज 100 मीटर दूर शव को फेंककर फरार हो गए। वहीं पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि थाना चौपन पुलिस व क्राइम ब्रांच सोनभद्र की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस सनसनीखेज हत्या की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया। हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें 3 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है, जबकि 1 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 14 अगस्त को प्रातः 8 बजे थाना चौपन पर सूचना प्राप्त हुई कि चौपन से सिंदूरिया जाने वाले मार्ग के किनारे सिंदूरिया निवासी सुरेंद्र पांडे का शव पड़ा हुआ है। इस सनसनीखेज घटना की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक चौपन सहित पुलिस के अन्य उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई तथा इस संबंध में मृतक के बहन की सूचना पर स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया। हत्या का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि दिनांक 19/8/2021 को समय लगभग शाम 5 बजे स्वाट SOG सर्विलांस टीम व थाना चौपन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर हिंदुआरी तिराहे के पास से घटना में संलिप्त शूटरों को पकड़ लिया गया तथा अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, मृतक द्वारा हस्ताक्षरित भारतीय स्टेट बैंक का चेक व मृतक की हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तथा आला कत्ल कट्टा बरामद किया गया। 14/8 को सिंदूरिया ग्राम थाना चौपन अंतर्गत एक युवक की डेड बॉडी बरामद हुई थी। इसका नाम सुरेंद्र पांडे था और ये सूचना लगभग 8 बजे प्राप्त हुई थी और उसके बाद स्थानीय पुलिस और हम सभी लोगों ने मिलकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया था। आज उस घटना का अनावरण कर लिया गया है और इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को पकड़ा गया है, जिसमें पहला जोगेश कुमार मिश्र, ये मुसी का रहने वाला है रॉबर्ट्सगंज, पंकज कुमार बघेल, ये सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज का रहने वाला है, और चंदन तिवारी, ये कुरहुर थाना चौपन का रहने वाला है। और जो अभी पकड़े गए हैं तो जोगेश और पंकज ने शूटर का काम किया था, तो इनकी निशानदेही पे मृतक की मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त जो वीपन्स था कट्टा 12 बोर का, उसको बरामद किया गया है। और मृतक के पास एक स्टेट बैंक की 2 लाख की चेक थी, वो चेक भी ये अभियुक्तों ने ले लिया था और एक आदमी को दिया था, उसकी निशानदेही पर 2 लाख रुपए के चेक को भी बरामद किया गया। हत्या का कारण क्या रहा था? देखिए, ये हत्या में जो FIR है वो मृतक की सिस्टर द्वारा, बहन द्वारा दर्ज कराई गई थी और इसमें उनकी पत्नी पे ही, उनको पत्नी और 3 अन्य लोगों को नामजद किया गया था। और इसमें जो मृतक है उनका, उसकी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और मृतक खुद ही अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाह रहा था और इसलिए खुद ही उसने शूटर्स को अरेंज किया था और रेकी भी करवाई थी। लेकिन शूटर्स कई बार वहाँ जाने के बाद, इनका कहना है कि हम लोग को लगा कि उसकी पत्नी को मारना मुनासिब नहीं था, इसलिए वहाँ पे CCTV फुटेज भी था और बाजार भी था और इस आदमी पे शक भी था कि ये घटना करने के बाद भी जो करार है उसके हिसाब से पैसा देगा कि नहीं देगा। तो इस हिसाब से इन लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि अब पैसे के लिए अपराध करना है तो चाहे तो पत्नी को मारे या इसको मारे, बात बराबर ही है, तो इनको मारने का मन बना लिया था। और घटना वाले दिन 4 बजे शाम को ये खुद ही दोनों शूटर जो हैं, जोगेश मिश्रा और पंकज को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था और अपने घर पे ले गया था। वहाँ पे एक लड़के ने उसको पानी वानी भी पिलाई थी। मृतक ने खुद ही अपने घर में जो सी